तो आज तक के स्टिंग ऑपरेशन ऑपरेशन केजरीवाल के बाद लगातार जो है अब लोग सामने आ रहे हैं और हमारी रिपोर्टिंग सुबह से टीमें तैनात हैं और लगातार इसका असर पूरी तरफ जानने की कोशिश कर रहे हैं। बयान आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने भी बयान दिया है और इस बारे में सीधा चलते हैं श्वेता शर्मा के पास, जो सुबह से लगातार आप तक ये खबरें भी पहुंचा रही कि क्या क्या बयान आए गाजियाबाद में। श्वेता, आपसे ब्रेक के दौरान थोड़ी सी बातचीत हो रही थी, कुछ खास लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, स्टिंग ऑपरेशन का जो असर है वो अब सामने आने लगा है। समीप तमाम लोग यही कह रहे हैं कि कुछ सच्चाई सामने आई, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सामने आना है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, कहाँ काम करते थे आप और किस तरह से, आपको भी लगता है आपके विभाग में भी भ्रष्टाचार है? बिल्कुल भ्रष्टाचार है मैडम, 10 साल से काम कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल, भगवान महावीर हॉस्पिटल, रानीबाग पटेल हॉस्पिटल, पटेल नगर। हमने अपना PF मांग लिया, अपना मिनिमम वेजेस मांग लिया, उन्होंने हमें नौकरी से निकाल दिया। लगभग 52 लाख रुपए हमारा एक आदमी का, डेढ़ डेढ़ दो दो लाख रुपए फंसा हुआ है, वो हमारा देने का नाम नहीं ले रहे। आप भी मानते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत भ्रष्टाचार है जो कि सामने आना चाहिए? बहुत भ्रष्टाचार है मैम, सारे डिपार्टमेंट का ही फॉल्ट है। अगर डिपार्टमेंट चाहता तो हम हॉस्पिटल से निकलते ही नहीं, क्योंकि हमारा मिनिमम वेज नहीं मिल रहा था। अगर उम्मीद है आपको कि केजरीवाल से आपने बात की है तो आपका आपकी हम मदद हो? बिल्कुल जी, उम्मीद है, इसी उम्मीद से हम 6 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमें पूरा आम आदमी पार्टी पर विश्वास है कि हमारी सच्चाई भी जीत होगी। बिल्कुल, तो समीप आप सुन सकते हैं कि तमाम लोग जो है सुबह 6 बजे से यहाँ पर आ जाते हैं, 9 बजे जनसभा शुरू होती है, उसके बावजूद भी भारी भीड़ लोगों की होती है, अपनी अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और साफ तौर पर लोगों का कहना है कि कुछ विभाग हैं जो कि आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में सामने आए हैं, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट में भी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है जो कि सामने आना बहुत जरूरी है। जी ये प्रमिला, हम आपके पास भी आएंगे, लेकिन श्वेता आपको, आप लगातार रिपोर्टिंग कर रही हैं, कई साल से आप फील्ड में जाती हैं और आपने कभी ऐसा देखा है होते हुए कि पुराने जमाने की तरह दरबार में राजा के पास आ रहे हैं और अपनी समस्याएं बता रहे हैं और वो सुलझा रहे हैं? ये जो पूरा माहौल है, क्या ये कहीं डराने वाला है या थोड़ा टेंशन देने वाला तो नहीं है कि क्या वाकई में खरा उतर पाएंगे केजरीवाल इन सब के उम्मीदों पर? बिल्कुल समीप, बहुत अच्छी शुरुआत केजरीवाल ने की है और आपको बता दें आज की जनसभा में उन्होंने एक और महत्वपूर्ण सूचना दी है कि अब के बाद से जो भी जनसभा होगी उसमें तमाम अधिकारी जो हैं वो भी इन जनसभाओं में होंगे, यानी लोगों के सामने उनकी समस्याओं का वहीं पर हल निकाला जाएगा। तो ये अधिकारियों के लिए जरूर डराने वाला है, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए जरूर अच्छा होगा, क्योंकि आपकी जो भी समस्या है वो वहीं पे अधिकारी के सामने उसकी बातचीत हो जाएगी, क्या हल उसका निकल सकता है वो हो जाएगा। तो एक नई शुरुआत केजरीवाल ने जरूर की है और अगर इस तरह की जनसभाएं तमाम इलाकों में होती हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत। जी समीप, वाकई हमारे लिए भी अच्छी खबर है, हमें भी कोई समस्या होगी तो हम भी इस जनसभा में जा सकते हैं। वाकई में ये बहुत अच्छी शुरुआत, एक बहुत अच्छी कोशिश है, अब देखना होगा केजरीवाल आगे आगे बढ़ेंगे तो किस तरीके से इन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। प्रोमिला भी हमारे साथ है, प्रोमिला आप दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में सुबह से लगातार हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर भी लोग रिएक्ट कर रहे हैं और क्या नया ताजा आपके पास इस वक्त और क्या नई नई बातें आपको सुनने को मिली है वहां पर? देखिए, लोगों को मालूम चला जब काफी लोगों ने जो देखा है उसके बाद हमारे पास आए और कई ऐसे लोग हैं जो इसी जल बोर्ड के दफ्तर से निकल कर आए लेकिन कैमरे पर नहीं बोल सकते थे और उन्होंने कहा जो आपने दिखाया वाकई वो सच है। और इसके बाद केवल यही नहीं है, इसमें तमाम ऐसे बातें हैं जल बोर्ड के दफ्तर में, केवल जो हमने दिखाया वही नहीं है, कई और भ्रष्टाचार की जड़ें हैं जो भर्ती से लेकर यहाँ पानी की सप्लाई तक फैली हुई है। और लोगों का कहना है अगर केजरीवाल के खौफ से ये कुछ हो रहा है तो उनको उम्मीद है केजरीवाल यहाँ आकर जो सालों से यहाँ अरसे से भ्रष्टाचार फैला हुआ है और जो तमाम गड़बड़ियां हैं उनको दुरुस्त कर देंगे, कम से कम लोग ऐसी उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन जो कुछ देखा है उससे वाकई वो हैरत में है। और कहना ये है कि आपके लंच और डिनर के लिए अगर आपके पास 4 से 5 करोड़ है तो एम्प्लॉय को देने के लिए क्यों नहीं है, एम्प्लॉय के साथ ऐसा क्यों हो जाता है? और तमाम घोटालों की बात की है यहाँ के एम्प्लॉयज ने जिनका कहना है कि कैमरे पर नहीं आ सकते लेकिन पीछे से जरूर वो हमें बताने को तैयार है।